पेज नंबर 7, हेडिंग नंबर 2, बाघा दा राखा। पेज नंबर 1, बाघा दा राखा कहानी नू संखेप करके अपने शब्दां विच लिखो जा बाघा दा राखा कहानी दा सार लिखो। उत्तर, पाकिस्तान नू उजड़ के आए हरिजन परिवार नाल संबंधित बारू लालू शाह दे बाघा दी राखी दा कम करदा सी। उस दी तनखा 17 रुपए महावार सी। उस दा भरा शहर विच पांडी दा कम करदा सी। एक दिन जदो ओह बुखार नाल लम्मा पिया सी तां कोलो लंघदे शहरी कलरका विचो एक अध खड़ कलरक तो बिना किसे ने उस वल ध्यान ना दिता। बुखार विच उस दी लालू शाह नाल जो गलबात हुई उस तो खिज के उसने उसनू नौकरी तो जवाब दे दिता ते ओह रोह विच बिस्तरा चुक के घर वल तुर पिया। रस्ते विच बैठे शहरीये कलरका ने समझा कि उसनू लुकाठा ज्यादा खान करके बुखार चढ़िया है। घर आके ओह मंजे उत्ते पै गया। उस दी मां ते परजाई नू जदो उस दी नौकरी छुट्टन दा पता लगा ता उना नू उस दे बुखार दी था कर दे गुजारे दा फिकर पै गया। जदो बारू ने मां नू दस्या कि लालू शाह उस नू गंदियां गाला कढ रिया सी ता मां ने कहा कि गाला नाल उस दी केड़ी लत टुट गई सी, कड्डी जान दिंदा। परजाई ने कहा कि उस नू लुकाठा खान करके बुखार चढ़िया है। उसने कर आटा ना होण करके ते लंबड़ा दी वगार ते गई होण करके परसों ते अज उस नू रोटी नहीं सी पहुंचाई। भुखे बारू नू लुकाठ खाने पए। रात नू बारू दा भरा बाग दी राखी करन चला गया। राती बारू नू समाज विच हरिजना दी दूरदशा परिस्थिति संबंधी ख्याल आउण लगे। तड़के ओह बिस्तरा लैके बाग विच पुज गया ते उस दा भरा कर आ गया। लालू शाह बाग दा हाल देखण आया ते बारू नू देख के गाल कड के कहण लगा कि अज उस दी अकल टिकाने आ गई है। बारू ने उस नू मां दी गाला संबंधी कही गल दसी ते ओह घर मुड़ गया। बारू नू अज फिर रोटी ना पहुंचाई ते दुपहरे लुकाठा खान करके ओह फिर बुखार दा शिकार हो गया। राती भी उस नू रोटी ना पहुंची क्योंकि बारू दे भरा नू कोई कमाई नहीं सी होई। बारू बुखार तो दुखी होके लेट गया ते बेसुरत पिया अबतड़ वाहे बोलन लगा। सवेर तक ओह मर चुका सी। लोग उस दे द्वाले इकट्ठे हो गए सन। ओह समझदे सन कि उसनु किसे डाकू ने कतल किता है। सैर करन आए कलरका विचो अध खड़ कलरक ने कहा, मूरख जा खा मोए जा रज मोए। बारू दी परजाई छा वेला लैके आ रही सी। बाग उजड़ चुका सी। असल डाकू बारे किसे नू पता नहीं सी कि ओह कर सुत्ता पिया है। पेज नंबर 8, प्रश्न नंबर 2, बाघा दा राखा कहानी दा विषय वस्तु की है, विचार करो। उत्तर, बाघा दा राखा कहानी प्रिंसिपल सुजान सिंह दी लिखी हुई है। इस कहानी विच कहानीकार ने साडे समाज विच दलित कामिया दी गरीबी कारण दुखा ते अपमान नाल भरी हालत दा चित्रण किया है। कहानीकार दसदा है कि उन्हां नू कट तनखाह उपर मामली नौकरियां करनिया पैंदियां हन ते मालका लालिया ते शाह दियां गाला दा शिकार बनना पैंदा है। कोई उन्हां दी बीमारी कारण उन्हां नाल इंसानी हमदर्दी नहीं करदा। मध्य श्रेणी दे पढ़े लिखे लोकां विच भी उन्हां लई कोई हमदर्दी नहीं। उन्हां नू अति दर्जे दी बेइज्जती अनखहीनता दुर्दशा भुख ते बीमारी विच दिन कटने पैंदे हन जद कि ओह कम अजिहे करदे हन जिन्हां नू उच्ची कुल ते अमीर लाले आप नहीं कर सकते। पर ओह उन्हां दे पल्ले भी कुछ नहीं पाउंदे ते ना ही उन्हां लई कोई मनुखी हमदर्दी रखदे सन। परंतु स्थिति दा व्यंग यह है कि उस दी मां ते परजाई उस दे दुख नू समझण दी थां उस दे नौकरी छड के घर आ जाण तो वधेरे दुखी हो जांदियां हन। उस दी तनखाह ते 17 रुपए उस दे टब्बर दी रोटी चलदी रखण लई जरूरी हन। उस दी मां उस नू कह रही है, तेरी केहड़ी गाला नाल लत टुट जाणी सी, तू केहड़ी गल्लो उस दियां गाला टोकणियां सन, कड्डी जाण दिंदा। घर विचली आर्थिक तुड़ इना पात्रां नू मजबूर कर दिंदी है कि ओह सहमान दी थां रोटी रोजी नू पहल देन। कहानीकार ए भी दसदा है कि असल विच साडे देश विच आर्य सभ्यता विच होई जात वंड विच विचारे सूदरां दी हालत शुरू तो ही
ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਭਰੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਮਾਤ ਬੰਦਿਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਰਵਿਦਾਸ, ਕਬੀਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪੋੜੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਸ਼ੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਤਾਨੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹਸਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸਭਿਅਤਾਹੀਨ ਸਲੂਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਬਾਰੂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਸਤ ਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਹੋ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਹੀਨ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਝੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣੋ ਉੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਲ ਡਾਕੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟੀਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।